हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम एक बेसिक एग्जांपल करते हैं। तो सबसे पहले मैं बिन फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं दे दिया CPPYT। ठीक है, सी प्लस प्लस यूट्यूब मुझे इससे याद रहेगा YT लिखने से। और सी प्लस प्लस की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .cpp होता है। जैसे हमने सी के प्रोग्राम्स किए थे तो उसमें हम एक्सटेंशन रखते थे फाइल का .c, और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स जो रहेंगे उनकी जो फाइल्स रहेंगी उसमें आप एक्सटेंशन क्या दोगे? .cpp दोगे। ठीक है, यस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इस फाइल को मैं नोटपेड प्लस प्लस के साथ ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने फाइल ओपन कर ली। आप चाहें तो डायरेक्ट अपना टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर ओपन करके भी काम कर सकते हैं। क्लियरली विजिबल हो पाए आपको, इसीलिए मैं नोटपेड प्लस प्लस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम एक बेसिक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम जस्ट कुछ मैसेज प्रिंट करवाना सीखते हैं कि कैसे हम कंसोल विंडो पे कुछ आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच और उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। देन आफ्टर मैंने मेन फंक्शन क्रिएट कर लिया। ठीक है, मेन फंक्शन क्या होता है? किसी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। कंपाइलर यहीं से रीड करना स्टार्ट करता है। और सबसे पहले हमने स्क्रीन को क्लियर कर दिया। नेक्स्ट आफ्टर मैंने सी आउट का यूज़ करते हुए मैसेज प्रिंट करवाया, हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, और लास्ट में हमने गेट सी एच यूज़ किया। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन तो पहले कर चुका हूँ। जो हमने सी के वीडियोस देखे थे तो हमने जाना था वॉइड क्या होता है, मेन क्या होता है, ये ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये सेमी कॉलन का मतलब क्या है, सी आर सी एल आर एस सी आर गेट सी एच, ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं सी के वीडियोस में। ठीक है, अब जहाँ आप सी लैंग्वेज में हेडर फाइल यूज़ करते थे एस टी डी आई ओ डॉट एच, ठीक है, सी लैंग्वेज में हम एस टी डी आई ओ डॉट एच यूज़ करते थे और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं आई ओ स्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको कि हेडर फाइल्स के अंदर क्या होता है। हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स। तो आयो स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल के अंदर बने हुए कौन से फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सी आउट। सी आउट ये फंक्शन नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे आप सी लैंग्वेज में प्रिंट करवाने के लिए कंसोल विंडो पे आपको कुछ प्रिंट करवाना होता था तो आप प्रिंट एफ का यूज़ करते थे। तो प्रिंट एफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन था। जब भी आप ये पैरेंथेसिस देखते हैं, ये ब्रैकेट्स देखते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। बट ये फंक्शन नहीं है, इसमें आप पैरेंथेसिस नहीं देख रहे हैं, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है आयो स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल के अंदर। ठीक है, मैंने आपको बताया था हेडर फाइल को अगर हमें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है तो हम हैश इंक्लूड लिखते हैं। फिर हेडर फाइल को हमेशा हम इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, स्मॉलर देन ग्रेटर देन के अंदर। ठीक है, हैश का मतलब मैंने बताया था, हैश को लैंग्वेज में हम पाउंड कहते हैं, सी सी प्लस प्लस में इसको पाउंड कहा जाता है। ठीक है, और ये इंक्लूड जो है एक स्पेशल स्टेटमेंट होता है जिसको रीड करता है प्री प्रोसेसर। ठीक है, प्री प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है और हैश इंक्लूड को हम क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। इसका काम होता है हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना। ठीक
ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी हेडर फाइल्स होती हैं, ये सब भी हम सी लैंग्वेज में समझ चुके हैं। ठीक है, हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, अनडिफाइन, ठीक है। तो अगर आपने मेरे सी के वीडियोस नहीं देखे तो आप उसको थोड़ा सा एक बार वॉच कीजिए, ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगे। फिर भी मैं जितना पॉसिबल होगा आपको बताते रहूँगा। ठीक है, कोनियो डॉट एच हमने हेडर फाइल हमने यूज़ की है ताकि हम सी एल आर एस सी आर और गेट सी एच फंक्शन को यूज़ कर पाएँ। अब जो सी एल आर एस सी आर फंक्शन होता है वो स्क्रीन को क्लियर करता है। सबसे पहले स्क्रीन क्लियर होगी, उसके बाद सी आउट क्या होता है, एक आउटपुट देने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, आउटपुट स्टेटमेंट आप इसको बोल सकते हैं। और ये क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट होते हैं आयो स्ट्रीम डॉट एच के अंदर, ठीक है। सी आउट एक ऑब्जेक्ट है आयो स्ट्रीम डॉट एच के अंदर। इसके अलावा सी इन का हम यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए, सी इधर होता है, सी लोग होता है। इसके अलावा एंड एल आप देखोगे आगे, ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ जब हमने डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस वाला लेक्चर मैंने एक बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया हुआ है कि आयो स्ट्रीम डॉट एच के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं और किस किस का क्या क्या वर्क है, ठीक है। तो अभी हम केवल इस प्रोग्राम में सी आउट का यूज़ कर रहे हैं, ये कंसोल विंडो पे प्रिंट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मुझे कुछ अजेटिस जो प्रिंट करवाना है, कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, तो वो मैं डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ, ठीक है। ये हमारा आउटपुट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। और सी आउट के साथ हमेशा ये हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं, दो बार हम स्मॉलर देन का साइन लगाते हैं। इस ऑपरेटर का क्या मतलब है, क्या इसका नाम है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस वाले वीडियो में, ठीक है, तो आप उसको ज़रूर वॉच कीजिए, ठीक है। फिर गेट सी एच क्या करता है, स्क्रीन को रोकता है, ठीक है। अगर मैं गेट सी एच का यूज़ नहीं करूँगा तो आप देखेंगे स्क्रीन आएगी, मतलब आउटपुट आएगा, बट स्क्रीन एकदम से टर्मिनेट हो जाएगी, आप आउटपुट देख नहीं पाएंगे। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम स्क्रीन टर्मिनेट हो जाएगी। तो आप अगर चाहते हैं कि स्क्रीन रुकी रहे जब तक हम कीबोर्ड से कैरेक्टर प्रेस ना कर दें, तो आप गेट सी एच का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये वॉइड मैंने बताया था आपको, रिटर्न टाइप होता है, मेन किसी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, ये एक हमारा खुद का डिफाइन किया हुआ फंक्शन है, ठीक है। और ये एक स्पेशल फंक्शन है, इसकी भी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है सी के वीडियोस में, तो आप मेरे सी के वीडियोस ज़रूर वॉच कीजिए, तो आपको ये सारी कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। मैंने लाइफ साइकिल भी बताया हुआ है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन की स्टेप्स क्या होती हैं, ठीक है। ये मैंने बताया था कि जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो ऊपर स्टेटमेंट दिख रहा है हैश के साथ, ये स्पेशल स्टेटमेंट्स होते हैं, इनको रीड करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, ठीक है। पहले प्री प्रोसेसर हमारे प्रोग्राम को रीड करता है और हमारे प्रोग्राम को वो कन्वर्ट करता है एक्सपांडेड सोर्स कोड में, देन आफ्टर कंपाइलर रीड करता है, और कंपाइलर चेक करता है अगर कुछ इधर होती है तो वो इधर मैसेज डिस्प्ले करता है, इधर नहीं होती तो वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। देन आफ्टर ऑब्जेक्ट कोड फिर आगे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये पूरा फ्लो मैंने बताया हुआ है लाइफ साइकिल के अंदर। सो फ्रेंड्स, इसको हम रन करके देखते हैं। तो मैं अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आप डायरेक्ट टर्बो या टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करके भी प्रोग्राम को यहाँ पे रन कर सकते हो, ठीक है। अब फाइल में जाके मैंने ओपन पे क्लिक किया, ठीक है। तो हमने प्रोग्राम जो बनाया था उसका नाम, फाइल का नाम था सी पी पी वाई टी, ये लिखा हुआ है। इसको मैं ओपन कर देता हूँ और मैं रन करता हूँ, तो आप देखेंगे हेलो फ्रेंड्स आपको आउटपुट में शो होगा, ठीक है। तो सी आउट का यूज़ करते हुए हमने ये हेलो फ्रेंड्स को प्रिंट करवाया है,
और सी आउट एक ऑब्जेक्ट है जो कि अवेलेबल होता है आउट स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।